हेलो हेलो गाइस, दिस मी विष्णु। ए आज मैले होइन तपाईँहरूलाई टक्क हाम्रो यो के भन्छ यो नादी फार्मेसीको होइन सेकेन्ड भ्लग म चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई देखाउनु गइरहेको छु होइन यहाँ के काम गर्नुपर्छ होइन यसको फुल डिटेल्स म तपाईँलाई दिन्छु है त गाइस। लगाइज है त यसो होइन हाम्रो यो के भन्छ यो ब्युटीको सबै सामानहरू चाहिँ यहाँ छ होइन। इधर हमारा एक भाई है ना, ये मेरा दोस्त है। ये क्या कर रहा है? हेलो भाई। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहा है? ठीक है भाई, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? एक्सपायर चेक कर रहा है। एक्सपायर चेक कैसे करता है दिखाओ तो फिर। इसका वो जो डेट होता है वो चेक करता हूँ। इसका डेट बहुत दिन बाकी है, 3 महीना 2024। तो फिर ये एक्सपायर होता है ना, जैसे अब आज कितना है, डेट कितना है आज का? आज तो नवंबर 22 है। नवंबर 22 आज खलास होगा कि कितने तक का ये एक्सपायर हो, कैसे पता चलेगा एक्सपायर कितने तक है? ऐसे ये तो हम इसमें लिखा रहता है, हर सामान में लिखा रहता है। हम देखता हूँ, चेक करता हूँ, ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, हम बराबर हर चीज़ चेक करता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुहिदुल इस्लाम। किधर से हो? मैं बांग्लादेश से हूँ। बांग्लादेश? पहले मैं दूसरा कंपनी में था, एक कंपनी में आया 5 महीना 6 महीना हुआ। पहले उधर क्या करता था? उधर का पहले एक क्लीनर कंपनी में जॉब करता था। वो उधर अच्छा है कि यहाँ पे अच्छा है? यहाँ बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है ना कंपनी, अच्छा है। इसका जॉब छुट्टी सब मिला के बहुत अच्छा है। पहले कंपनी भी सही था लेकिन उसमें थोड़ा सैलरी कम था। कैसे आया इधर, ये कंपनी में कैसे आया? एक सिस्टम था, स्वदेश गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला था, तो नकल काफी लोग होते काफी लोग का रहे। ठीक है, तो उधर कितना था सैलरी, इधर कितना मिल रहा है? उधर मेरा सैलरी तो 400+200 था, क्योंकि मैं क्लीनर था, वो काम भी इतना भारी नहीं था, थोड़ा पतला काम था, इधर उधर थोड़ा काम कर लेता बाहर बाहर, तो गुजारा हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अच्छा था। अभी इधर भी सैलरी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। खाना पीना के साथ कंपनी 1650 देता है, और ओवर टाइम तो अलग देता है, ओवर टाइम कुछ कमीशन मिलता है। ये कंपनी बहुत अच्छा है ना, आदि कंपनी नंबर वन कंपनी। ये दूसरा वो आने वाला है ना, जो आएगा इधर आने की सोच में, वो आदमी को क्या बोलेगा, आना अच्छा है कि नहीं? मेरे ख्याल में भाई ये कंपनी में कोई भी आदमी 5 साल रुकेगा तो उसका ज़िंदगी बन जाएगा। कंपनी का जो सिस्टम जो तरीका है बहुत अच्छा है। मैं पहले तो दूसरा कंपनी में 5.5 साल था, वहाँ से यहाँ आ गया, शिफ्ट हो गया, बहुत अच्छा है। ओके भाई, तो फिर जैसा वो है ना, ये कंपनी का ओटी के सब, ये ओटी के बारे में पूछता है मेरे को, ओटी क्या है, ये कंपनी का रूल्स है कि क्या है, सबको मिलेगा कि क्या है? ऐसा है, ओवर टाइम तो हर जगह होगा, क्योंकि ये फार्मेसी है, इसमें तो ड्यूटी ऐसा हमारा जनरल ड्यूटी 8 घंटा देता है कंपनी, और 2 घंटा कोई ऐसा है, कोई कोई सैदलिया है जो फार्मेसी है, उसमें सैदलिया बोलते हैं आर्मी में, जो फार्मेसी में थोड़ा छोटा है, फिर उसका कोई जगह पे ड्यूटी 10 घंटा होता है, तो अगर ओवर टाइम मिलता है कम थोड़ा, और कोई जगह पे 12 घंटा होता है। इधर का ये बेसिक ड्यूटी कितना है? बेसिक होता है ना, बेसिक 8 घंटा ड्यूटी होता है, 2 घंटा ड्यूटी है, 10 घंटा करके तो 2 घंटा मिलेगा, और 4 घंटा करेगा तो 12 घंटा करेगा तो 4 घंटा मिलेगा। अभी आपका कितना हो रहा है अभी ओटी, कितना घंटा होता है? मेरा तो अभी जो है मेरा 4 घंटा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कंपनी भी बहुत अच्छा है, ये अल्लाह का शुक्र है, ये शुक्र गुजारता हूँ जो हमें इतना अच्छा एक कंपनी मिला। कोई भी आने चाहेगा तो भाई मैं ये बात बताऊँ आपको, आप आग बंद करके आ जाओ, आप 5 साल रुकेगा, इंशाल्लाह आपका कुछ बना सकते हैं, आप जिंदगी में आपको कुछ कामयाबी होगा। और काम क्या है इधर, क्या क्या करना पड़ेगा? इधर काम क्या है भाई, इतना काम भी कोई भारी काम नहीं है, जो काम है ये बहुत हल्का सा काम है। कोई मेडिसिन आता है, वो मेडिसिन कुछ कॉस्मेटिक होता है, जैसे हम लोग जो रेक खाली है वो भरना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है, यही काम है। डॉक्टर लोग भी बहुत अच्छा होता है इधर का। ये रिफिल आपने किया है सब? ये रिफिल बोलता है ना इसको? नहीं, इसको फेसिंग बोलता है, फेसिंग बोलता है, जो सामान नहीं रहता उसको डालने से बोलता है रिफिल, और सिर्फ
तरतीब करने से बोलता है फेसिंग। इधर का काम यही है, यही काम है। फिर ये सामान नहीं रहेगा, वो स्टोर रूम से लेके आना पड़ेगा। तो कंपनी के बारे में आप जैसा पूछा मेरे को, ये कंपनी बहुत अच्छा है, मैं बता सकता हूँ आपको। छुट्टी सिस्टम पूरा अच्छा है। छुट्टी सिस्टम क्या है, इसको बोल दो थोड़ा। ये छुट्टी का सिस्टम अभी कैसा है पूरा मुझे भी पूरा मालूम नहीं, लेकिन मैंने सुना है हर साल में एक महीना का छुट्टी है और जाना आना का टिकट देता है, ऐसा सुना है। वो एक महीने का तो पता नहीं है। हाँ हाँ वो ठीक है। एक महीने वो छुट्टी में जाता है ना, उसका सैलरी देता है कि नहीं कंपनी? वो सैलरी देता है कंपनी, देता है। किसी का वो कंपनी एक हलाला भी नहीं खाता, एक पैसे भी नहीं खाता। ये बहुत अच्छा कंपनी है, सऊदी में नंबर वन कंपनी है नाहदी फार्मेसी। और ये कंपनी में हर चीज़ मिलता है, बहुत अच्छा अच्छा दवाई मिलता है, बहुत अच्छा क्या है कॉस्मेटिक का जो अच्छा एक नंबर चीज जो सामान है वो मिल जाता है। ओ, ये क्या है भाई, ये ऑफर है कि क्या है, ये दिख रहा है? एक ऑफर देता है, ये ऑफर है, ये आप जो सामान लेगा जैसा ऐसा है, इसका 26 रियल है, 26 रियल इसका प्राइस। अभी आप दूसरा लेगा तो उसके उस हिसाब से 60% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट ये कैसा, ये डिस्काउंट डिस्काउंट मिलेगा तो अच्छा होगा। ये डिस्काउंट कितना ऑलवेज होता है कि क्या है? सभी हर चीज़ में होता है, हर चीज़ में देता है वो कंपनी के मर्जी में, जैसे कंपनी देता है उसके हम मर्जी से। वो हम लोग थोड़ी कैसे किया, हम तो एक लेबर है, हमें जैसे करने बोलते हैं ऐसा ही करता है, लेकिन कंपनी अच्छा है। हमारा लेबर लोगों के लिए जो जो चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मिल जाता है। काम इंडोर का है ना, सैलरी टाइम टू टाइम सैलरी देते हैं, देता है छुट्टी, कोई बीमार है तो उसका जो इंश्योरेंस कार्ड है सब मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे सऊदी में भाई 5 साल था, 5.5 साल था दूसरा कंपनी में। ये कंपनी बहुत अच्छा है इसलिए मेरा नसीब भी अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कंपनी में आ गया। तो एक्सपेक्ट करता हूँ ये कंपनी को, बहुत दिल से मैं दुआई देता हूँ ये कंपनी को, अल्लाह और भी बड़ा बनाए और भी कामयाबी बनाए, ऐसा दुआ करता हूँ। ये कंपनी बहुत अच्छा है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा है। मरसलाम। गाइस दिस इज योर के, ए भाई इसको क्या बोलता है इसको, ये पूरा उसका सामान है ना, कॉस्मेटिक सामान है ना सब, कॉस्मेटिक है, मेकअप है, मेकअप का सामान है। अच्छा ऐसा है, ये देखो भाई, ये है हमारा सबसे ज्यादा पुराना आदमी है भाई, ये मेरा बहुत मदद किया मुझे। हां ये बहुत हेल्प किया, ये मेरा भाई है। जब मैं पहले आया था भाई मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था, हां क्योंकि दूसरा कंपनी से मैं जब आया तब इतना पैसा नहीं था, इसने मुझे मदद किया। ये बहुत अच्छा इंसान है, इंडिया का केरला है, ये मुस्लिम है, मैं भी मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा से क्या मुश्किल है पूरा इंसान सेम सही बात बताए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं भाई, लेकिन ये बताना पड़ेगा क्योंकि हम लोग मुस्लिम है, बताया कोई भी धर्म है वो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर धर्म को मैं सलाम जानता हूं। इंसान के गुण धर्म से नहीं पहचान जाता, इंसान इंसान होता है। सही बात, क्या हम इंसान का नजर देखता है। मैं सुना ये भाई अभी छुट्टी में जा रहा है भाई, जा रहा है आप? जा रहा है, शादी के इसके 3 महीने है, 1 month, 1 month में जाएगा। कितना है, 1 महीने का वो है छुट्टी है? 1 महीने की छुट्टी है। ओ 1 महीने के बाद आएगा, 1 महीने की छुट्टी है वो। तो फिर आपको जाने आने के टिकट कंपनी देता है क्या? अभी नहीं दिया, देखेगा इंशाल्लाह, आएगा आएगा तो देगा। मेरा पता नहीं अभी सिस्टम कंपनी चेंज होगा। अभी आपका कंपनी के बारे में क्या ख्याल है? नंबर वन है अभी, ज़्यादा आदमी आने के लिए। ये आने के लिए कितना एजुकेटेड पर्सन चाहिए कि क्या है, ये कंपनी में आने के लिए कितना पढ़ा लिखा हुआ आदमी चाहिए इसमें आने के लिए? SSC है, इंग्लिश कैसा होना चाहिए? अच्छा इंग्लिश होना चाहिए इसमें, ऐसे अरबी इंग्लिश दोनों, इंग्लिश लाजिम जानना चाहिए क्योंकि अरबी तो कोई मदर लैंग्वेज नहीं हर देश का। अभी नेपाल वीजा है नहीं? अभी वीजा है, विसा गया है वो, मैं भी नेपाल से आया ना। तो फिर इन आप कैसे आए इधर? मेरा तो वही है, मैं SSC तक किया हूँ, प्लस टू किया है। तो फिर इंडिया, आप इंडिया से आया ना, कैसे आया वो, इंटरव्यू दिया है क्या? थोड़ा एक्सपीरियंस पहले काम एक्सपीरियंस पूरा देख के उड़ा था। हम लोग एक्सपीरियंस देख के इंटरव्यू देख, एक्सपीरियंस है काम का, काम का जो नए आदमी वो करेंगे वो क्या एक्सपीरियंस वो चाहिए वो बोलो ना क्वेश्चन। वो जैसा अब नया आदमी है ना, फ्रेश आदमी, वो कैसे आ सकता है तो फिर इधर, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है?
इंटरव्यू इंटरव्यू दे क्या सकते इंग्लिश इंग्लिश और अरबी ये दोनों एक लैंग्वेज दस मन दोनों में एक लैंग्वेज आएगा तो चलेगा ओके सब ठीक है। ये जैसे ये फार्मेसी है तो फार्मेसी उधर वो इंडिया में नेपाल में जो दर से भी इधर आदमी आता है ना वो फार्मेसी संबंधी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं वो दूसरा फील्ड का भी आ सकता है वो ये मुमकिन छः या आठ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर वो करो मुमकिन वो बोले आपका क्या लैंग्वेज मॉडल इंग्लिश है अरबी मॉडल मुमकिन इंग्लिश बाद में पढ़ा है इंग्लिश मॉडल ओके बाद में वो काम करेगा ऐसे कि पूछेगा कोई कोई उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछेगा आंसर बोलो आंसर बोलो ओके। डॉक्टर अच्छा है इधर के डॉक्टर अच्छा है और कोई का कोई कोई पूरा इंसान है मुमकिन कोई मुके एक पार में चार डॉक्टर है मुके तीन अच्छा है मुके एक थोड़ा डिफरेंस है पूरा आदमी सेम से नहीं आएगा। हाँ हाँ सही बात है पूरा सही बात है। हाँ सही ओके भाई। हाँ ओके ठीक है ओके ओके गाइस जे जे बुझ्नु थियो हैन बुझिहाल्नु भयो केही क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट गर्नु होइन ओके गाइज होइन ल नेक्स्ट ब्लगमा होइन फेरि आउँदैछु ओके सी यु गाइज।